अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर रॉक बोनसाई बनाने की कोशिश है और आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर ये बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इजीली जो है वो बना सकते हैं। बेसिकली जैसे आपको पता है, बोनसाई एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम काफ़ी प्रूनिंग की, वायरिंग की और कटिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक प्लांट को छोटे से ट्री के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं और उसको उस तरह से बना देते हैं जैसे एक फुल साइज़ ट्री होता है। तो इसी तरह से रॉक बोनसाई एक बड़ा ही ड्रामेटिक सीन होता है जिसके अंदर एक प्लांट को, एक ट्री को दिखाया जा रहा होता है कि वो किस तरह से एक हार्ड एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्रॉपर रॉक सेलेक्ट करना है। और उससे आगे चलने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये रॉक हमारे पास मौजूद है। इस पत्थर को अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक अच्छे से पत्थर की ज़रूरत होगी। और उस रॉक के अंदर आप देखें कि उसमें काफ़ी कर्व्स होने चाहिए, उसके अंदर होल्स इस तरह से होने चाहिए ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगे और आर्टिफिशियल ना लगे। तो इसीलिए मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि इस रॉक को सेलेक्ट किया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं इस तरह से शेप बना रहा हूँ जैसे जो मेरे प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। और इसको बनाने का मकसद यह है कि इसके अंदर हमने प्लांट को जो है वो फिट कर देना है ताकि ऐसे लगे कि इस पत्थर के अंदर से जो है वो ट्री निकल रहा है, वो प्लांट निकल रहा है। तो एक मैंने ये प्लेट ले लिया और इसके अंदर मैंने पॉटिंग सॉइल ले लिया और इसके अंदर हमने इस रॉक को जो है वो अरेंज कर देना है इस तरह से। जिस तरह से भी हम अपना डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर आपने प्लांट सेलेक्ट करना है और जैसे मेरे पास ये भी जूनिपर का जो है वो प्लांट मौजूद है, इस पॉट के अंदर लगा हुआ है। और जैसे आप देख सकते हैं, इसका ट्रंक यहाँ पर मौजूद है और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो इसको इस पॉट से निकालेंगे और इसको हम थोड़ी सी इसकी मिट्टी वगैरह हम क्लियर करके इसकी रूटिंग वगैरह देखेंगे कि कितनी ज़्यादा रूट्स हैं इसकी, और अगर रूट्स ज़्यादा होंगी तो उसकी थोड़ी सी हम जो है वो कटिंग कर देंगे। आप बहुत सारे जो है वो प्लांट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पाइन वगैरह का भी आप प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो अभी हमने इसको क्लियर कर दिया है और रूट्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप फिर भी कटिंग करना चाहें थोड़ी बहुत तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जगह काफ़ी मौजूद है इसीलिए मैं इसकी अभी कटिंग नहीं करना चाह रहा। और इसको मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये इस तरह से लगे कि ये जो प्लांट है वो इस रॉक के अंदर से निकल रहा है और एक अच्छा सा जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो इसका हमने बनाना है। तो पॉटिंग सॉइल के अंदर भी आप ये लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको, अगर आपके पास बोनसाई पॉट है तो, या बोनसाई ट्रे है, उसके अंदर आप इसको ग्लू से भी फिट कर सकते हैं। ये जो पत्थर है इसको आप ग्लू से भी फिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये नहीं है चीज़ें और अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे, सिंपल तरीके से बनाना चाह रहे हैं, तो हाँ ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है। और जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है वो, जो मैंने जगह बनाई थी, क्लियर की थी जगह उस रॉक के अंदर, उसके अंदर मैंने जो है वो पॉटिंग सॉइल यूज़ किया और उसको मैंने फिल कर दिया है उस होल को। और अब बारी है इसके स्ट्रक्चर की। तो बोनसाई के अंदर आप जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं, वायरिंग के ज़रिए हम उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और आप इर्द गिर्द अपने देखते होंगे, आसपास के आप दरख्तों को देखें, उनको देखते हुए आप अपना इस बोनसाई को भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये वायर यहाँ पर मौजूद है, कॉपर वायर्स मौजूद हैं और डिफरेंट इनकी जो है वो थिकनेस होती है। तो जिस तरह से हमारी जो ब्रांच होगी उसके मुताबिक हम उस वायर को यूज़ करेंगे। अभी काफ़ी सारी जो है वो बोनसाई की, स्पेशली जो है वो बोनसाई के लिए काफ़ी सारी वायर्स जो है वो आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जहाँ अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं, कॉपर वायर वगैरह, एल्युमिनियम वायर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी बोनसाई की कहानी तो उस वक्त भी स्पेशली बोनसाई के लिए उस वक्त ये वायर्स मौजूद नहीं हुआ करती थी और इन्हीं को यूज़ किया जाता था। तो मैंने देखें जिस तरह से इस वायर को एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर जो है वो कटिंग कर दिया है। सॉइल के अंदर मैं यहाँ से इसको डाल के और यहाँ से इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे। आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वायरिंग के दौरान आपका प्लांट टूटना नहीं चाहिए। तो आप उस ब्रांच को या उस स्टेम को अच्छे से पकड़े रखेंगे एक अपने अंगूठे से और अपने जो है वो वायरिंग आप करते रहेंगे साथ साथ। तो आप जिस तरह का जो भी आप स्ट्रक्चर इसको देना चाहें आप दे सकते हैं और आप इसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करके, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर वायरिंग का फ़ायदा ही यही होता है कि आप अपने प्लांट को जिस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारे पास प्रूनिंग की थोड़ी सी हमने यहाँ पर टेक्निक यूज़ करनी है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें दिख रही हैं यहाँ पर, हम उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाए। तो इस तरह से ये जो प्रूनिंग है इसका मकसद ये होता है कि हमने अपने इस प्लांट को लिमिटेड रखना है, उसकी ग्रोथ को हमने रिस्ट्रिक्ट कर देना है
और उसके फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद यह है कि जब ऊपर की तरफ से ये ग्रोथ नहीं होगी तो नीचे से इसका जो ट्रंक है और जो ये पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं ये अच्छी खासी जो है वो फिर मोटी होना स्टार्ट हो जाती हैं, और एक जिस तरह से मैच्योर ट्री होता है उस तरह से ये मैच्योर ट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इन तीनों ब्रांचेस को जो है, तीनों स्टेम को जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने वायरिंग कर दी है, और जिस पर्टिकुलर शेप के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है आप उस शेप के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है इसका तो इतना ये बहुत ज़्यादा आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, लेकिन जिस जिस तरह से इसका टाइम गुजरता जाएगा वैसे इसकी न्यू नीचे से जो है वो लीव्स वगैरह निकलेंगे और उसको फिर हम अपने पर्टिकुलर तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब बारी है पानी की, तो पानी मैं इसको शावरिंग दे रहा हूँ अच्छे से ताकि ये जो रॉक के ऊपर पत्थर वगैरह के ऊपर जो मिट्टी आई हुई है वो भी अच्छे से धुल जाए और साफ़ हो जाए। तो इस तरह से आपने एक पर्टिकुलर जो है वो अपना रॉक बोनसाई कन्वर्ट कर देना है, रॉक बोनसाई बना लेना है जिस शेप में जिस तरह से आप इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं कुछ मॉस भी जो है वो यूज़ करूँगा, इसके ऊपर मॉस लगा दूँगा ताकि जो एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो इसको मिल जाए। तो एक अच्छा सीन क्रिएट कर दिया गया है, और अपना जो आपने मेन चीज़ जो है इसके अंदर एक प्लांट है और एक रॉक सिलेक्शन है। तो मेन जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक रॉक सिलेक्शन है कि आपने एक अच्छा पत्थर ले लेना है जो एक अच्छा नेचुरल लुक दे, और आपका जो प्लांट है वो आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मॉस लगा दिया है नीचे, कुछ मैंने मॉस लगा दिया ऊपर पत्थर के ऊपर भी लगा दिया है, तो एक अच्छा खूबसूरत स्ट्रक्चर जो है वो ये बन चुका है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, नेचुरल लुक दे सकते हैं आप इसमें, और कोई मैं मास्टर तो नहीं हूँ बोनसाई का, लेकिन अपनी तरफ से जो है वो मैं कोशिश कर सकता हूँ। ट्राई करना चाहिए, न्यू एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी ट्राई करें, आप भी बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।